आज की क्लास में हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, मैं समझाती हूँ ये टॉपिक एक्चुअली है क्या। सुनने में पहले बच्चों को ये फील होता है कि हमको इसमें पढ़ना क्या है ना। मैं समझाती जाती हूँ साथ के साथ। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, जीन एक्सप्रेशन, देखिए तो अभी तक जो सीखा है आपने उसमें मैंने आपको समझाया है, रफ वर्क है ये, इसको नोट नहीं करना है। डीएनए है, ये अपने आप को आरएनए में ट्रांसफॉर्म करेगा, मतलब डीएनए आरएनए फॉर्म करेगा, आरएनए से प्रोटीन को फॉर्म करेगा। ठीक है, जीन्स आर प्रेजेंट ऑन डीएनए। ठीक है, तो ये जो प्रोटीन के फॉर्म में अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोटीन का क्या मतलब है? प्रोटीन का मतलब है चेन ऑफ एमिनो एसिड्स। तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन चल रहा है यहाँ पे, क्या चल रहा है? एक्सप्रेशन चल रहा है मतलब डीएनए अपने आप को आरएनए में ट्रांसफॉर्म कर रहा है, फिर ये प्रोटीन में, प्रोटीन का मतलब है एमिनो एसिड का, आप यहाँ पे चेन बना रहे हैं। ठीक है, तो इसके बहुत सारे लेवल्स हो गए ना। जैसे हम यहाँ पे बोलते हैं ये क्या है, जैसे ये आपने किया लेवल वन है, अगर हम इसको सपोज करते हैं लेवल टू है, इस तरीके से करके, तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में कि जो ये जीन एक्सप्रेशन है, तो द रिजल्ट ऑफ द जीन एक्सप्रेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, फॉर्मेशन ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड चेन। फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा हम क्यों लिख सकते हैं ऐसा, इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि प्रोटीन का दूसरा नाम है पॉलीपेप्टाइड चेन, और इस पॉलीपेप्टाइड चेन का मतलब है चेन ऑफ अमीनो एसिड्स। मेरी बात समझ आ रही है ना? ये बेसिक चीजें हैं, तो जैसे इसको हम लिखते हैं ये आपको और क्लियर हो जाए। चलिए आगे जो लाइन्स है आपको क्लियर करना। फर्स्ट पॉइंट लिख लीजिए इसमें, जीन एक्सप्रेशन इसके रिगार्डिंग हम लोग लिख रहे हैं, जीन एक्सप्रेशन ये सही हो तो मैं देखो, फिर आगे बहुत ज्यादा आज प्लान करने लगा। फर्स्ट पॉइंट इसका ऐसे लिख सकते हैं आप, जो भी समझाया मैंने आपको, जीन एक्सप्रेशन, जीन एक्सप्रेशन
leads to formation of a polypeptide. और पॉलीपेप्टाइड का मतलब है प्रोटीन, क्लियर है? देन दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, जीन एक्सप्रेशन कैन बी रेगुलेटेड जीन एक्सप्रेशन can be regulated at various levels इसको बहुत सारे लेवल पे हम लोग क्या करते हैं, रेगुलेट होते हुए देखते हैं, ठीक है? अब अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ट्रांसक्रिप्शन जो है वो प्रोक्रियोट्स में भी बताया था और यूक्रियोट्स में भी बताया था, है ना? प्रोक्रियोट्स में काफी सिंपल था, यूक्रियोट्स में मुझे आज स्लाइसिंग जो है वो बताना है आपको। ये देखिए, इन यूक्रियोट्स रेगुलेशन कुड बी एक्सर्टेड एट, और सारे पॉइंट समझ के चलिए क्लियर हो जाएगा। पहला है यहाँ पे सबसे पहली चीज जो होनी है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट Then, तो ये क्या है, प्रोसेस का नाम क्या है, ट्रांसक्रिप्शन है ना, इसको हम लोग बोल देते हैं ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। ट्रांसक्रिप्शन लेवल देन दूसरी जो चीज है इसमें, जो मैं अभी सिखाऊंगी आपको, ये बीच में बताना था मुझे बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज रेगुलेशन ऑफ रेगुलेशन ऑफ स्प्लाइसिंग दैट इज प्रोसेसिंग लेवल
प्रोसेसिंग और उसके बाद है एक और रफ वर्क लीजिए। मैंने यहाँ पे एक सेल बनाया, ठीक है। सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, और बाहर क्या है इसके, साइटोप्लाज्म। ये क्या है, साइटोप्लाज्म, ठीक है, ये तो सबको पता है। अभी क्या किया आपने, जो आरएनए बनाया, ठीक है, तो मैसेंजर आरएनए को आप यहाँ बना रहे हैं विद इन द न्यूक्लियस। एमआरएनए मैंने यहाँ पे लिखा, तो जब बन गया है तो बना के आपको रखना तो है नहीं, आप इसको क्या कीजिएगा, ट्रांसपोर्ट कीजिएगा साइटोप्लाज्म। तो ये मैं लिखने जा रही हूँ, ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। रटना नहीं है इसको, आपको समझना है जो बन गया है तो इसका करना क्या है। इसको हमें न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक। आगे लिखते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म, टू द साइटोप्लाज्म। और नेक्स्ट है, तो ये सब है क्या, ये कुल मिला के जो सारी चीजें हैं, ये क्या देख रहे हैं हम लोग, ट्रांसलेशन देख रहे हैं, ठीक है। तो वही हो गया यहाँ पे ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन लेवल बहुत ज्यादा ये पता नहीं क्यों है ऐसा कर रहा है। इसके बाद एक स्प्लाइसिंग जो है वो तो मैं करा ही देती हूँ, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है वो ह्यूमन टू ह्यूमन प्रोजेक्ट के लिए भी है। वैसे स्प्लाइसिंग हो गया तो फिर एचडीपी को छोड़ के फिर डीडीपी हो जाता है। हो गया ये लास्ट। अब मैं टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ जो मैंने लिखा है यहाँ पे, जब हमने ट्रांसक्रिप्ट बनाया था उसके बाद उसकी स्प्लाइसिंग करनी पड़ती है यूकेरियोट्स में। प्रोकेरियोट्स में ये दिक्कत नहीं होती, बट ये प्रॉब्लम कहाँ होती है सर, यूकेरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन का काम करते हैं हम लोग वहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉपिक का नेम है आरएनए स्प्लाइसिंग।
हेडिंग देना है आपको आरएनए स्प्लाइसिंग। देखिए पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ आरएनए स्प्लाइसिंग। ठीक है, होता ये है कि जब यूकेरियोट्स में, प्रोकेरियोट्स में नहीं बोल रही मैं, यूकेरियोट्स में रफ वर्क है, आरएनए का स्ट्रैंड बनता है, तो मैंने यहाँ पे दो कलर यूज किया है, रेड है और ग्रीन है। एक को मैं यहां पे लेवल कर रही हूं आई एन टी आर ओ एन इंट्रोन, ग्रीन वाले को मैंने यहां पे मार्क किया है इंट्रोन, रेड वाले को मैंने यहां पे मार्क किया है एक्सोन। क्या मार्क किया मैंने इसको? एक्सोन मार्क किया है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो एक इंट्रोन है और एक एक्सोन है, दोनों में फर्क क्या है? तो इसमें क्या है, इंट्रोन्स आर, ये जो है ना सबसे बेसिक चीज, क्योंकि आपको एमसीक्यू देना है तो आपसे पूछा जा सकता है कि दोनों में से कौन सा फंक्शनल है और कौन सा नॉन फंक्शनल है। इंट्रोन इसमें से नॉन फंक्शनल है और एक्सोन जो है यहाँ पे ये फंक्शनल है। पहले तो इस बात को आपको अपने दिमाग में पेंट करना है। क्वेश्चन ये अराइज है कि स्प्लाइसिंग की रिक्वायरमेंट क्या है, यही पूछा मैंने आपसे। कॉमन सेंस ये लगाना है कि जब किसी फ्रेगमेंट के साथ आप नॉन फंक्शनल चीज को जोड़ के रख रहे हैं, जो नॉन फंक्शनल है आपने उसको जबरदस्ती इसके साथ जोड़ के रखा हुआ है, तो क्या ये जो एमआरएनए आप बना रहे हैं यूजफुल होगा? क्या सवाल ही नहीं उठता। अभी ये जो आरएनए है जो बना है डायरेक्ट, ठीक है, यूजलेस है। यूजलेस का मतलब है इसका कोई यूज नहीं है, आप इससे प्रोटीन बना ही नहीं सकते, इस मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन नहीं बनाया जा सकता। तो चैलेंज क्या है हमारे पास, सारे इंट्रोन्स को यहाँ से बाहर निकालना, सारे इंट्रोन्स को यहाँ से, ये मैंने इंट्रोन्स जो है इनको बाहर निकाल दिए, ये रिमूव कर दिया मैंने यहाँ। फिर इंट्रोन को रिमूव करने के बाद करना क्या है, इंट्रोन्स को रिमूव करने के बाद जो इंट्रोन बचे हुए थे उनको आपको ऐड कर देना है यहाँ पे, ऐसे ऐड कर दीजिए बस, हो गया ही, समझ आ गया होगा आसानी से। तो बिल्कुल अगर सिंपल फॉर्म में इसको बोला जाए तो रिमूवल ऑफ ऑल द इंट्रोन्स एंड ज्वाइनिंग ऑफ एक्सोन्स इज नोन एज आरएनए स्प्लाइसिंग। डेफिनेशन मैंने आपको समझा दिया, याद करा दिया, यही है ना। और ये रिक्वायरमेंट सिर्फ यूकेरियोट्स में होती है, प्रोकेरियोट्स में ऐसी कोई कॉम्प्लेक्सिटी निकल के सामने नहीं आती, सिंपल था, सिंपल ऑर्गेनिजम्स है तो वहां पे कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो लिख लेते हैं हम लोग पहले डेफिनेशन क्या है, ये पूछा जा सकता है आपसे। हाँ, एक चीज और, इसको इतना डिलीट करने के पहले मैं एक बात बता दूं, अब एमसीक्यू क्वेश्चंस में क्या है, फोकस किया जाता है कंफ्यूज करने पे। वहां ऐसा लिखा हो सकता है रिमूवल ऑफ इंट्रोन एंड ज्वाइनिंग ऑफ एक्सोन, रिमूवल ऑफ एक्सोन ज्वाइनिंग ऑफ इंट्रोन, रिमूवल ऑफ इंट्रोन ज्वाइनिंग ऑफ नथिंग, ऐसे करके आपको ऑप्शन वहां पे बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान देना है कि आप सीख क्या रहे हैं, समझ क्या रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हम इसका जो डेफिनेशन है वो क्या निकाल रहे हैं, आपको डेफिनेशन हमने यहाँ पे तैयार किया है स्प्लाइसिंग के लिए, आरएनए स्प्लाइसिंग के लिए। स्प्लाइसिंग या आरएनए स्प्लाइसिंग, आरएनए स्प्लाइसिंग RNA splicing is the RNA splicing is the process where क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे, कौन सा काम कर रहे हैं, जहां पे the
इंट्रोन्स, INTRONS, where the introns are removed, introns को आपको रिमूव करना है and exons and exons are and exons are joined. इनको आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है, ठीक है, इन अ डिफाइंड ऑर्डर. बस हो गया ये डेफिनेशन के तौर से. करना क्या है, इसको शो कैसे करते हैं, शो वैसे ही किया जाता है जैसे आपने सीखा है. अगर आप इसको दिखाना चाहते हैं तो अगर आपने एक फ्रेश पेज लेते हैं, जो रिमेनिंग लिखने वाला जो काम है वो नीचे कर लेंगे, डायग्राम के लिए फ्रेश पेज लेते हैं हम लोग, ठीक है. फटाफट डीएनए बनाते हैं पहले. सपोज मुझे मैंने ये एक कलर लिया है, मेरे साथ साथ फटाफट बनाते चलना आपको. ये मैंने क्या बनाया यहाँ पे, एक डीएनए का स्ट्रैंड है, ठीक है. पोलैरिटी फिट करते हैं, 5' 3' 3' 5', ठीक है. क्या बनाया आपने यहाँ से, आरएनए बनाया, आरएनए का स्ट्रैंड फॉर्म किया है ना. ये रहा आपका यहाँ से बन के निकला हुआ इससे आरएनए का स्ट्रैंड. अब शो भी तो करना होगा इसमें, कुछ पोर्शन इसका क्या है, रेड हम लोग यहाँ पे ऐसे दिखा देते हैं बीच बीच में. मतलब ये जो है ये फंक्शनल बन के नहीं निकला है, ऐसा आ रही है, ठीक है. अब हमें क्या करना है इसमें से, ये रेड कलर से जो मैंने दिखाया यहाँ पे, इसको सपोज करते हैं हम लोग क्या है, व्हाट इज इंट्रोन, और हमने जो यहाँ पे ग्रीन कलर से मार्क किया है, सपोज करते हैं दैट इज एक्सोन, ठीक है. अब इसकी भी, ये जो आरएनए का स्टैंड आप बना के यहाँ से निकाल रहे हैं, इसकी भी तो पोलैरिटी है 5' 2' 3', ठीक है. आगे इसमें प्रोसेसेस हैं कैपिंग एंड टेलिंग, ठीक है. तो यहाँ पे गुआनोसिन देखिए लिखा होगा यहाँ पे जी पी पी, मतलब ट्रिपल पी लिखा होता है. तो जैसे कैसे एटीपी को हम लोग बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो जी ट्रिपल पी क्या है, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट. नीट के एग्जाम में या ऐसे भी नॉर्मली भी क्वेश्चन पूछा जाता है, यूकेरियोट्स में जब स्प्लाइसिंग होती है तो कैपिंग कौन से एंड का किया जाता है, 5' का 3' का बोथ का, मतलब बहुत माइन्यूटली ध्यान देने पे बहुत सारे फाइन क्वेश्चंस निकलते हैं इसके अंदर. तो कैपिंग का काम जो है आप इस 5' पे करेंगे, किस पे करेंगे, 5' पे. और आगे जाके ना इसमें एक टेल भी ऐड करते हैं, टेलिंग बोलते हैं लोग. तो टेलिंग किस एंड की होती है, 3' एंड की. कैपिंग किसका होता है, कैपिंग होता है यहाँ पे, इसी पे करेंगे ना, यहाँ पे. और होता किससे है ये, तो जी पी 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 ट्रिपल पी लिखा, तो गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट एक लेंगे तो, दो लेंगे तो गुआनोसिन डाइफॉस्फेट, और तीनों लेंगे तो गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको जी ट्रिपल पी लिखा जाता है. होता है ना ये कई बार बच्चों के दिमाग में होता है, रट लेते हैं, समझ नहीं आता है क्या. तो यहाँ जो कैप है, कैप हम लोग किसका लगाते हैं यहाँ पे, कोई सा भी दूसरा कलर ले लेते हैं जो पता चले. यहाँ जो इस एंड पे जो कैप है, ये हमें यहाँ पे लगाना है. यहाँ से अगर मैं 5' हटाऊँ ना, 5' को तो मैं कहीं से फिट कर लूँगी. कैप जो है वो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे किसका, जी पी पी P
मतलब गुआनोसिल ट्राइफॉस्फेट है, क्या है गुआनोसिल ट्राइफॉस्फेट है, ठीक। यहाँ पे छोटा सा ये फाइव प्राइम हमने मार्क कर दिया, कुछ रिमूव भी नहीं हुआ, सारी चीजें आ भी गई। तो किस एंड का कैपिंग कर रहे हैं हम लोग, फाइव प्राइम एंड का, क्वेश्चन है ही है ना। अब इसके बाद क्या है, ये जो स्टैंड आपने यहाँ पे बना रखा है इसको यहाँ नीचे शो करना है। ये जो है एक बार एक स्टेप दिखा देते हैं, जो कि मार्क दिखाने में किया जाता है ना, आसान है, इजी सा प्रोसेस है, ऐसा नहीं सोचना है कि कुछ टफ है इसमें। अब जो स्ट्रैंड थी लेंथ की, कोशिश करते हैं हम लोग इतना जो लेंथ है वो दिखा देते हैं। ये रहा ग्रीन रेड कलर से हमने इंट्रोन मार्क किया था, यहाँ पे कर देते हैं। आसान है बट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आसान तो समझने के बाद सब कुछ है। ये हमने यहाँ पे रेड कलर से मार्क कर दिया है ना। अब जो थी वापस पोलैरिटी, दैट इज 5 टू 3। ठीक है, आपने यहाँ पे कैप चढ़ाया किस चीज का, गुआनोसिल ट्राई फॉस्फेट का, गुआनोसिल ट्राई फॉस्फेट का। कौन सा आरएनए है ये, मैसेंजर आरएनए, विच काइंड ऑफ आरएनए, मैसेंजर आरएनए है। इसमें कुछ ऐसा लग रहा है कि बहुत टफ है, बहुत दिक्कत आ रही समझने में, नहीं क्वेश्चंस भी मैं बताती जा रही हूँ साथ के साथ। करना क्या है इसका, स्प्लाइसिंग करना है, स्प्लाइसिंग मतलब कटिंग के सेंस में लेते हैं ना हम लोग यहाँ से। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इंट्रोन्स को निकालना है, एक्सोन्स को ज्वाइन करना है। तो अब जब आरएनए स्प्लाइसिंग हम करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं आरएनए स्प्लाइसिंग, SPNICI। समझने के बाद तो लिखना बहुत इजी हो जाएगा, आरएनए स्प्लाइसिंग क्या करना होगा, पोर्शंस कट करने रेड वाले, बहुत आसान है इसको बनाना। करना क्या है, जो ग्रीन कलर आपने लिया था उससे आपको ये पूरा सेगमेंट जो है, थोड़ा समय इसको ऊपर करने की कोशिश करते हैं, स्पेस होगा नीचे। तो ये जो था, हाँ कट होगा तो छोटा भी तो होगा ना, ये है ना, इतना लेंथ देने की जरूरत नहीं है। अब सिर्फ ग्रीन वाला सेगमेंट जो है उसको हमने सपोज किया, मैं यहाँ पे ऐसे शो किया, रेड वाला जो पोर्शन है तो वो तो यहाँ से कटेगा ना ऐसे, ये यहाँ पे इतने पोर्शन ऐसे क्या होंगे, ये कट के बाहर होंगे, 1 2 3 4 5 6 3 4 5 एंड 6, इनको तो हटाना है ना यहाँ से, ये कट के यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, और सारे जो एक जोन है उनको ज्वाइन करना है हमें, ठीक है। ये हर जगह मार्क कर देते हैं जितने में क्या होता है, हमेशा याद रखना है ये कंफर्म्ड है कि ये 5 प्राइम एंड पे होगा। और अब यहाँ पे इसका एक टेल ऐड होगा यहाँ इसके पीछे, वो टेल किस चीज का होता है, पॉलीडिनाइलेट का टेल होता है, लिखा जाता है उसको पॉली ए टेल। टेलिंग कौन से एंड की होती है, 3 प्राइम, पेपर में मैंने लिखा नहीं था, यहाँ पे मार्क कर लेते हैं हम। और इस टेलिंग के घटना को क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीएडिनाइलेशन, इसको इस प्रोसेस को यही लिख देते हैं, याद रहेगा पॉलीएडिनाइलेशन, हमने बोल दिया इसको पॉलीएडिनाइलेशन है ना। फाइनली क्या हुआ, फाइनली आपको सिर्फ एक्सोन्स को रखना है, एक्सोन्स को आपने रखा, थोड़ा सा जो तेल का पोर्शन आपने बनाया था यहाँ पे रहने दीजिए, और फटाफट यहाँ पे इसकी लेबलिंग कर देनी है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। और यहाँ पे आपने कैपिंग कराया है किससे, गुआनोसिल ट्राई, ठीक है। तो ये डायग्राम था, अब मैं लिखना स्टार्ट करती हूँ, ये हो गया, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं साथ के साथ, आगे मैं लिखना स्टार्ट करती हूँ। चलिए
तो ये जो फाइनली ये ऊपर जो बना था ना, जो जिसको मैं यूजलेस बोल रही थी, ये फर्स्ट वाला, इसको प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बोला जाता है, ये जो बना है अभी। फटाफट लिखते हैं हम लोग, पेज तो हो ही गया। भी बोल सकते हैं इसको, हम लोग बोलते हैं प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। प्राइमरी ऐसे भी कर सकते हैं, आफ्टर ट्रांसलेशन। हाँ नहीं सॉरी, आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन, आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन, आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन द प्राइमरी प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कंटेन बोथ द exomes and the introns on the other four and the introns, ठीक है, दोनों प्रेजेंट है इसके पास। एंड Where introns, where introns are non-functional, introns क्या है यहाँ पे, non-functional, where introns are non-functional, so there is a requirement of there is a requirement of process called as RNA splicing. There is requirement of a process called RNA splicing. लिख लीजिए, बाकी तो जो चीजें हैं एज इट इज उसको मैं यहाँ पे आपको जो डायग्राम में मैंने बताया है उसी को बस मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। कोई नया काम नहीं है इसमें, कुछ रचना नहीं है, कुछ नहीं है। Requirement of process. Called as RNA splicing. RNA splicing. क्या बोलते हैं हम लोग उसको, आ रहे हैं स्प्लाइसिंग, ठीक है। अब यहाँ पे एक दूसरी चीज है,
अब ये जो आरएनए बना था ना, जो डायग्राम है, डायग्राम से समझाती हूँ मैं आपको। ये जो डायग्राम अभी अभी बनाया आपने, ये जो है, तो इसको हम लोग हेट्रोजिनस न्यूक्लियर आरएनए बोलते हैं, एचएनआरएनए बोलते हैं। कुछ रीजन क्या है उसका? इसमें वैरायटी ऑफ ये फैक्टर्स जो है, इंट्रोन्स और एक्सोन्स ज्वाइन है, तो जिसकी वजह से एच एन आर एन ए भी इसी को बोला जाता है, हेट्रोजिनस न्यूक्लियर आर एन ए नाम है इसका। ठीक है, तो आगे जो है, अब इसी में कैपिंग टेलिंग जो भी प्रोसेस है किस में होना है, एच एन आर एन ए में होना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, नेक्स्ट पॉइंट भी समझ सकते हैं इसको, ऐसे इसको मार्क किया जाता है, स्मॉल एच स्मॉल एन आर एन ए विद इन ब्रैकेट मेंशन कर देती हूँ आपको, हेट्रोजिनस न्यूक्लियर, हेट्रोजिनस न्यूक्लियर आर एन ए। अब इसमें क्या है, जो प्रोसेसिंग हम लोग दो यहाँ पे कर रहे हैं, दैट इज कैपिंग एंड टेलिंग, है ना। एच एन आर एन ए अंडरगोज एडिशनल प्रोसेसिंग, एडिशनल प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग क्या बोलते हैं हम लोग इसको, सेकेंड इज टेलिंग, TALING, सेकेंड वाली इज टेलिंग। ठीक है, एक आपने कैपिंग यूज किया, दूसरा टेलिंग। अब हम लोग कैपिंग की हेडिंग देते हैं, इसको मिड में करके नेक्स्ट ही कर दिया। डायग्राम रहने देते हैं, उसके बाद ऐड करते हैं। चलिए कैपिंग देखिए फटाफट, कैपिंग देखिए, इन कैपिंग इन द प्रोसेस ऑफ कैपिंग न्यूक्लियोटाइड दैट इज मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, दैट इज मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट गुआनोसिन ट्राई फॉस्फेट
मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। Is added. कहाँ ऐड कर रहे थे आप? 5 प्राइम एंड पे। इज एडेड टू द 5 प्राइम एंड ऑफ रचन आरएन। बस हो गया। जो आपने देखा था बस उतना ही लिखना, उससे ज्यादा नहीं। टेलिंग में लिखना है आपको, इन टेलिंग, इन टेलिंग क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? एडिनाइलेट, इसका टेल लगा होता है, ऐसा ही बोल सकते हैं। एडिनाइलेट रेसिड्यूज, नंबर होता है इनका 200 से 300। रेसिड्यूज दैट इज 200 to 300 आर added at are added at 3 prime end in a template अब क्या किया आपने, इसको फुल्ली प्रोसेस्ड बना दिया, ठीक है। तो आफ्टर आफ्टर कंप्लीट प्रोसेसिंग, आफ्टर कंप्लीट प्रोसेसिंग एच एन आर एन बिकम्स एम आर एन, क्या बन जाता है ये? मैसेंजर आर एन एच एन आर एन बिकम्स एम आर एन। अगला क्या प्रोसेस सीखा था आपने? प्रोसेस्ड एम आर एन ए, प्रोसेस्ड mRNA ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द न्यूक्लियस, यानी ट्रांसपोर्टेड होता है कहां से कहां? न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म। प्रोसेस्ड ट्रांसपोर्टेड ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द आउट of the
न्यूक्लियस न्यूक्लियस से बाहर उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। अब ये क्या है, ये प्रोसेस था आपके आरएनए स्प्लाइसिंग का। तो ये जब हम लोग जीन एक्सप्रेशन देख रहे थे उसको समझते समझते क्या था, बीच में ये सेगमेंट आया था, तो मैंने देखा कि ये सेगमेंट जो है ये क्या था, मिसिंग था, तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। ठीक है, एक्चुअली हम लोग किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, जहाँ पे हमने सीखा कि जीन एक्सप्रेशन के अंदर इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज भी निकल के सामने आती हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं अगर हम इसमें देखना स्टार्ट करते हैं। तो ये जो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स सब में क्या होता है, टोटली डिफरेंट टाइप का होता है, क्योंकि आपके जो एग्जाम का फॉर्मेट है सब्जेक्टिव तो है नहीं। मैं क्वेश्चंस फटाफट इसमें से रिवाइज करा देती हूँ, देखते जाइए आप लोग। देखिए यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था ये तो फिर इसके स्टेप्स हैं। देन क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि स्प्लाइसिंग है क्या, तो इसमें आप क्या कर रहे हैं, डायग्राम सही करते हैं, इसको देखने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन क्या है, स्प्लाइसिंग क्या है, तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस में रॉन्ग भी दिया हो सकता है, राइट भी दिया हो सकता है। रिमूवल ऑफ इंट्रोन्स एंड ज्वाइनिंग ऑफ एक्सोन्स पहला क्वेश्चन। दूसरा, कैपिंग किस एंड का होता है, 5' का या 3' का या बोथ का या नन ऑफ द अबव का, 5' का। टेलिंग कौन से एंड का होता है, 3' का। कैपिंग किससे होता है, जीपीपी से, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। टेलिंग किससे होता है, तो पॉली एडिनाइलेट होता है। इनका नंबर क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 200 to 300। मेंशन द नेम ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इंट्रोन एंड ज्वाइनिंग ऑफ एक्सोन। सिक्स क्वेश्चन, तो क्या हो जाएगा ये, आरएनए स्प्लाइसिंग। कई बार स्पूलिंग, स्प्लाइसिंग, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन ऐसे करके आपको क्वेश्चंस दिए होते हैं। ठीक है, सेवेंथ क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, इसका नाम क्या दिया था आपने, HNRNA, मतलब हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। ठीक है, आफ्टर प्रोसेसिंग HNRNA ट्रांसफॉर्म्स इनटू, किसमें कन्वर्ट होगा ये, tRNA में, mRNA में, राइबोसोमल आरएनए में, मैसेंजर आरएनए में। एट क्वेश्चन हो गया। नाइन्थ क्वेश्चन, मेंशन द पोलैरिटी ऑफ द स्ट्रैंड व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट या एमआरएनए, कुछ भी लिखा जाए। तो 5' to 3' वाले ने कन्वर्ट नहीं किया है इसको, 3' to 5' वाले ने कन्वर्ट किया, तो उसकी पोलैरिटी क्या हो जाएगी, 3' to 5'। नाइन्थ क्वेश्चन ये हो गया। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे आता है कि मेंशन द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ पॉली एडिनाइलेट टू द 3' एंड। आंसर में आपको लिखना है पॉली एडिनाइलेशन। क्वेश्चन मैंने आपको बताए 10, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसको आपको प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं।